हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज जो आपको ये प्लांट सामने दिखाई दे रहा है, ये है ब्रोमेलियार्ड्स नेरोजीलिया प्लांट, और ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है। ब्रोमेलियार्ड्स के 300 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ वर्ल्ड में हैं, जिनमें से एक ये नेरोजीलिया प्लांट जो सामने दिखाई दे रहा है, ये भी इसकी एक स्पीशी में से, एक इसकी वैरायटी में से है। तो ये प्लांट जो है, ये मोस्टली इंडोर लगाया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने गार्डन में इसे आउटडोर भी लगा सकते हैं, जगह दे सकते हैं जहां पर कि आपके गार्डन में धूप ना आती हो। ये प्लांट हमारे गार्डन को एक वार्म और ब्यूटीफुल लुक देता है। फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो में आपको इस प्लांट के बारे में सभी कुछ बताऊंगी, पर इससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन कीजिए प्रेस। फ्रेंड्स, ये जो नारजीलिया प्लांट है, देखिए, जो एक कॉमन प्लांट्स होते हैं जैसे कि जाड़े में आते हैं, आपके गेंदा है, गुलदाउदी है और रोज़ है, आपका गुलमेहंदी है, ये सब प्लांट्स हम लोग जो हैं वो गुड़हल है, ये सभी के गार्डन में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने गार्डन में कुछ ऐसे प्लांट लगाएं जो और प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट हो, थोड़े रेयर हो और अच्छी वैरायटी में दिखाई दें, तो हमारा गार्डन और गार्डन से थोड़ा डिफरेंट लुक देता है, थोड़ा ब्यूटीफुल लुक देता है। तो मेरे गार्डन में जो नारजीलिया प्लांट लगा हुआ है, ये ब्रोमेल की एक स्पीशी है। ये प्लांट जो है वो आपके गार्डन को एक वार्म और ब्यूटीफुल लुक देता है। देखिए, जो हमारे जो शोई फ्लावर्स होते हैं वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, आपको दिखाई देंगे शोई फ्लावर्स नहीं है, बट जो इसकी ब्यूटी है इस प्लांट की, वो इसकी फॉलिएज से है। फॉलिएज मींस लीफ से है इसकी ब्यूटी। ये देखिए, ये इधर से ये ग्रीन आपको लीव्स दिखाई दे रही हैं और बीच में ये जो इसमें लगा हुआ है, ये रेड कलर की लीव्स हैं और बीच में एक कप टाइप आपको दिखाई दे रहा है जिसमें से इसके फ्लावर्स निकलते हैं। तो इस प्लांट की ब्यूटी जो है वो इसकी फॉलिएज की वजह से है। इसमें बड़े बड़े फ्लावर्स या कुछ नहीं निकलते, लेकिन ये देखने में बिल्कुल अलग और ख़ूबसूरत पता लगता है। अब हम इसके जो केयरिंग टिप्स हैं उसमें हम सॉइल से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इस प्लांट के बारे में जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी केयरिंग टिप्स बिल्कुल और कॉमन प्लांट से डिफरेंट हैं। जो हम इसकी सॉइल बनाएं वो वेल ड्रेन्ड और आपकी जो है वो लाइट होनी चाहिए। ये देखिए, मैंने इसकी जो सॉइल तैयार की है, इसमें मैंने कोकोपीट मिलाया है, पर लाइट मिलाया है, सैंड और थोड़ी सी गार्डन सॉइल मिला करके इसको मैंने प्लांट कर दिया है। ये देखिए, मैं आपको इसका सॉइल मिक्सचर दिखाती हूँ। ये है इधर आपका पर लाइट, बहुत ही लाइट होता है, ये आपको किसी भी गार्डनर की शॉप पे आराम से आपको मिल जाएगा नर्सरी पे। ये कोकोपीट है, आप सभी जानते होंगे, और ये सैंड और सॉइल का मिक्सचर है। ये भी बहुत कम है, सबसे ज़्यादा कोकोपीट है और थोड़ा ये पर लाइट है। इससे क्या होता है, सैंड लाइट रहती है और उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहता है, और इसमें जो पानी जाता है वो नीचे से आराम से निकल जाता है, क्योंकि इस प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो और प्लांट्स के मुकाबले बहुत छोटी होती हैं फ्रेंड्स, और नाजुक होती हैं। तो अगर इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो इसमें जो है वो पानी ठहरेगा और ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। नारजीलिया प्लांट जो है ये आपका जो है मॉइस्ट सॉइल पसंद करता है, तो इसको आप या तो पेड़ पौधों के बीच में जहाँ धूप ना आती हो गार्डन में रख सकते हैं, या इनडोर रख सकते हैं,
और इसको आप पैबल ट्रे में पानी भर के उसके ऊपर थोड़े से पैबल्स डाल दीजिए, पानी भर दीजिए, उसके ऊपर इसका गमला रख दीजिए, तो इसको साइड से जो पानी भाप बन बन के उड़ेगा वो इसको मॉइस्चर मिलेगा और ये प्लांट बहुत अच्छा चलता है। तो अब हम जो हैं वो इस प्लांट की वाटर के बारे में बात करेंगे। इसके वाटर, इस प्लांट में वाटर देने का तरीका भी बिल्कुल दूसरे प्लांट से डिफरेंट है। ये प्लांट अपनी रूट्स से वाटर नहीं लेता, इसकी रूट्स में हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मेरी जो सॉइल है ये कितनी ड्राई आपको दिखाई दे रही है। इसमें मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले मैंने पानी थोड़ा सा डाला होगा, वही जो है वो कोकोपीट ने आपका होल्ड कर रखा है और परलाइट मिली हुई है। पर इसकी सॉइल में हमें पानी नहीं डालना है, हमें जो है वो इसकी जो लीव्स हैं उस पर जो है वो मिस्टिंग करनी है। ये जो भी कुछ नरिशमेंट लेता है ये प्लांट, तो ये अपनी लीफ से लेता है। ऐसे आपको पूरे इस पर मिस्टिंग कर देनी है और ये प्लांट जो है ये वाटर अपने आप खींच लेगा। इसकी जड़ों में पानी नहीं डाला जाता है। इसके साथ ही मैं आपको फ्रेंड्स ये बताना चाहती हूँ कि देखिए ये बीच में आपको ये कप दिखाई दे रहा है, एक ये देखिए एक कप टाइप का ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो कप आपका है इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी जो है वो भर दीजिए, 4-5-6 दिन में जब देखें ये सूखा हुआ है तो उससे ये पूरा रूट तक पानी खींच लेता है प्लांट। इसकी सॉइल में पानी नहीं डाला जाता है और यहीं से देखिए इसके छोटे छोटे फ्लावर्स निकल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर इस कप में पानी सूखा नहीं है तो 3-4 दिन के बाद आप उस पानी को हल्के से, इस गमले को टेढ़ा करके बिल्कुल हल्के से ड्रेन कर दीजिए, क्योंकि जो सॉल्ट, जो पानी में सॉल्ट होते हैं वो अगर इसके चारों तरफ यहाँ पर जमा हो जाएंगे तो उससे रूट रॉट की समस्या जो है वो पैदा हो जाती है और ये प्लांट ख़राब हो जाता है। तो जब भी आप इस प्लांट को की पॉटिंग करें तो ध्यान रखें कि इसको पानी लीफ से और जो कप बना हुआ इससे दिया जाता है, इसकी रूट में वाटरिंग नहीं की जाती है। टू मच वाटर ये प्लांट नहीं चाहता। इसको 15 दिन में, 10 दिन में एक बार अगर हम पानी दें तो वो सबसे अच्छा रहता है। अब हम इसकी ह्यूमिडिटी की बात करें तो ये ह्यूमिडिटी बहुत अधिक मैंने बताया पसंद करता है, शेड में रहना पसंद करता है। पैबल ट्रे के ऊपर रखें तो साइड से पानी भाप बन के उड़ता रहता है और इसमें मॉइस्चर बराबर बना रहता है। अब इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो जब आप इसका पॉटिंग मिक्स तैयार करें तभी आप इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला दीजिए हल्की सी, और पीके से 1919 है उसमें 2020 का मिक्सचर आता है, उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच ऐसी बॉटल में पानी से भर के डाल के और उसका स्प्रे जो है वो साल में 1-2 बार कर दीजिए। बस उतना ही इसको फर्टिलाइज़र चाहिए, ये बहुत अधिक फर्टिलाइज़र की नीड नहीं करता है। अब मैं इस प्लांट के बारे में एक जो सबसे ख़ास पॉइंट है वो इसके बारे में बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, नेरिजिलिया प्लांट के जो फूल हैं वो 5-6 महीने तक इसका फॉलेज और ये फूल जो हैं ये खिले रहते हैं। ये ऊपर को अपना बढ़ता रहता है, 6-7 महीने के बाद इसको हमें ऐसा प्लांट दिखाई देगा कि इसके ये भी फॉलेज भी सूख जाएंगे, फूल भी और ये पत्तियाँ भी सूख जाएंगी। पर इसमें एक बहुत ख़ास बात है कि ये साइड से जब जाता है तो ये अपने पप्स छोड़ जाता है। इसके साइड से देखिए छोटे छोटे जो हैं आपको जब ये ग्रो करेगा तो इस साइड से ये पप्स दिखाई देंगे चारों तरफ से। तो हम इस प्लांट को कट करके उन पप्स को निकाल के और दूसरे गमले में इसी तरीके का पॉटिंग मिक्स बना के और उनको लगा सकते हैं, तो हमारे पास एक से ज़्यादा ये प्लांट हो जाएंगे और इनकी स्पीशी कभी भी हमारे घर में ख़त्म नहीं होगी। तो आज मैंने आपको इस प्लांट के बारे में जो जानकारी दी उसको ध्यान में रखते हुए इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करें, अपने गार्डन का लुक और गार्डन से थोड़ा डिफरेंट बनाएं। मैं अगर आपको मेरे ये केयरिंग टिप्स नारजीलिया प्लांट के बारे में अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय। हैप्पी गार्डनिंग।